दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफर फंक्शन के बारे में तो कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ पर हम सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हम देखेंगे इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफर फंक्शन रिलेट करता है और हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही क्यों इस्तेमाल करेंगे ये भी हमें जानना जरूरी है तो बाद में ट्रांसफर फंक्शन को डिटेल में देखेंगे और आखिरी में प्रॉपर्टीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की तो ट्रांसफर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं इट इज़ द रेशो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट हमें गेन की डेफिनेशन पता रहती है ये रहता है आउटपुट अपॉन इनपुट लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन में हम कंसिडर करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट और यहाँ पर एक कंपल्सरी कंडीशन है कि अज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशन एज जीरो अगर एक सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ और सिस्टम एंड हेयर यहाँ पर देखिए यू t हमारा इनपुट सिग्नल है और वाई t अगर हमारा आउटपुट सिग्नल है और हम इसका लापलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं यानी लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू t अगर ये यू ऑफ यस है और लापलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई t अगर वाई ऑफ यस है तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये रहेगा वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस तो यहाँ पर एल यानि लाप्लास ऑपरेटर रहेगा ये अपना लाप्लास कॉन्स्टेंट रहता है यस और इसी तरह से हम इसको डिपेंड करते हैं लेकिन हम कंट्रोल सिस्टम में जब भी इनपुट और आउटपुट कंसिडर करते हैं तो उसके नोटेशन कुछ अलग तरह से रहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है एक ओपन लुप सिस्टम इसमें ये है इनपुट तो इनपुट को हम इंडिकेट करते हैं आर ऑफ टी से आउटपुट सिग्नल जो रहेगा इसको हम कंट्रोल सिस्टम में इंडिकेट करते हैं सी ऑफ टी से और जो कंट्रोलिंग सिग्नल रहता है इसको हम इंडिकेट करते हैं यू ऑफ टी से तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल सिस्टम में इंडिकेट करते हैं अगर सेम क्लोज लूप सिस्टम रहा तो इनपुट सिग्नल रहेगा इसको आर ऑफ टी से इंडिकेट करेंगे कंट्रोल आउटपुट जिसको हम सी ऑफ टी से इंडिकेट करते हैं ये तो हमने देख लिया है अब आती है नेक्स्ट सिग्नल की तरफ नेक्स्ट सिग्नल है ये हमारा कंट्रोलिंग सिग्नल जिसे यहाँ पर हम प्रोसेस को देते हैं यहाँ पे प्लांट को देते हैं इसको यू ऑफ टी से हम इंडिकेट करते हैं देन फीडबैक सिग्नल जो रहेगा यहाँ पर इसको बी ऑफ टी से इंडिकेट किया जाता है देन आखिरी में एरर सिग्नल जो यहाँ पर है ये एरर सिग्नल हम इंडिकेट करते हैं ई ऑफ टी से तो ये ये तो हो गया है नोटेशन ऑफ वेरियस सिग्नल केस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम तो अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही क्यों इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल सिस्टम में तो दोस्तों देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिम जो भी हमारे कॉमन फंक्शंस रहते हैं इसको अल्जेब्राइक फंक्शन में कन्वर्ट करता है इसका मतलब क्या है तो एक साइन फंक्शन है अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये हो, होगा ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू पावर माइनस ए टी तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वन अपॉन एस प्लस ए यानी दोस्तों क्या हो रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको ये कन्वर्ट कर रहा है सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर येस इज इक्व टू सिगमा प्लस जो ओमेगा रहता है सिग्मा यहाँ पर रियल नंबर और ओमेगा हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी रहती है ये जे यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स uh, ऑपरेटर हम इसे कहेंगे या फिर इसको हम आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए इट इज एक्सप्लास एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो तो यस इन टू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो गई है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर एक्स ऑफ जीरो यानी फिर से इनिशियल कंडीशन है अगर हम इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये एक्सो पे एस डिवाइडेड बाई यस हो जाएगा इसका मतलब है ये कन्वर्ट हो जाता है एक सिंपल अल्जेब्रिक फंक्शन जिसे हम डिवीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से लापलास ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इजी फंक्शंस में कन्वर्ट कर रहा है अब फिर से बात कर लेते हैं हमारे सिस्टम की जिसमें हमने ऑलरेडी क्लोज क्लोजअप सिस्टम में ये सिग्नल्स जो है इसको इंडिकेट किया था अब इसका जो लाप्लास नोटेशन है कुछ इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं तो आर ऑफ टी को हम इंडिकेट करते हैं आर ऑप एस से जस्ट ये जो कैपिटल लेटर है सॉरी ये जो स्मॉल लोअर केस लेटर यानी स्मॉल लेटर्स है ये कन्वर्ट हो रहे हैं कैपिटल लेटर्स में आर ऑफ टी हो रहा है आर ऑफ एस सी ऑफ टी हो रहा है सी ऑप एस, एस, एस देन यू ऑफ टी को कन्वर्ट कर रहे हैं यू ऑप एस में फीडबैक सिग्नल बी ऑफ टी था ये हो गया बी ऑप एस और एर सिग्नल कन्वर्ट हो गया ई ऑफ एस में अब फिर से बात कर लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन की क्योंकि अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ हमें काम रहता है इनपुट और आउटपुट का और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इनपुट को हम इंडिकेट करते हैं आर ऑफ टी से और आउटपुट को हम इंडिकेट करते हैं सी ऑफ टी से अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन के केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल आर ऑफ यस हो जाएगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल सी ऑफ यस हो जाएगा इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर डेफिनेशन मैथमेटिक्स uh, में अगर हमें इसको इंडिकेट करना रहा तो ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इनिशियल कंडीशन यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो रहेगी ये हमेशा जीरो रहेगी इट शुड बी इक्वस टू जीरो ऐसा हम अज्यूम करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन में यहाँ पर इन uh, जनरल क्या रहेगा अगर हम इसको मैथमेटिक्स में इंडिकेट करते हैं ए ऑफ वाई इजरो ऑफ़ वाई एवन ऑफ वाई इस तरह से ये रिस्पेक्टिव इनपुट्स है तो सॉरी ये हो गया वाई यानी आउटपुट और यहाँ पर एक्स जो ऑपरेटर है ये इनपुट इंडिकेट कर रहा है तो ट्रांसफर फंक्शन रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ जीरो इनिशियल कंडीशंस तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हमारा फंक्शन जो है इसमें जो न्यूमरेटर है अब ये यह हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पावर ऑफ द पावर यानी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शंस तो ये जो है न्यूमरेटर अगर इसका अगर डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है दैट इज़ एनच एन इज़ ग्रेटर देन एम है तो ऐसे ट्रांसफर फंक्शन को हम ट्रांस प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे और अगर न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है तो ऐसे ट्रांसफर फंक्शन को हम इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर एक इक्वेशन है ये जो y ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस है अगर ये कुछ इस तरह से है दट इज़ एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव और यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर है एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फाइव तो यहाँ पर देखिए एस का पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा है डिनोमिनेटर में कम है तो ये जो फंक्शन हो गया ये हो गया इम प्रॉपर फंक्शन और प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का भी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं से एक फंक्शन है एस प्लस फाइव न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेटेस्ट कंसिडर दैट एस रेस्ट टू पावर फोर प्लस वन ऐसा अगर फंक्शन है तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है यानी हाईएस्ट हाइस्ट पावर ऑफ एस ये है वन और डिनोमिनेटर में जो हाइस्ट पावर ऑफ एस है ये है फोर यानी ये फंक्शन हो गया प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन की तो ट्रांसफर फंक्शन को हम अलग अलग रीज़न uh, के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ है ये है स्टेबिलिटी डिटरमिनेशन का तो वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाद में ट्रांसफर फंक्शन जो है ये टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इस्तेमाल हो जाता है यानी इसको इसके करेक्टरिस्टिक्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हमें ट्रांसफर फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा देन आउटपुट ऑफ द सिस्टम आल्सो कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन अभी हमने ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी तो ये थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट तो यहाँ पर देखिए ये विद इनिशियल कंडीशन इज जीरो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड इनपुट तो अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है और हमारा इनपुट डेफिनेटली हमें वो भी पता रहेगा क्योंकि हम ही अप्लाई करते हैं ये दो वेरिएबल्स अगर हमें पता है तो डेफिनेटली हम आउटपुट को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कैसे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास ले लो आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा तो हम आउटपुट भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और पोल और जीरोस ऑफ़ द सिस्टम भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन के अब मूव करते हैं एडवांटेजेस की तरफ तो एडवांटेजेस में हम यहाँ पर गेन फाइंड कर सकते हैं देन इंटीग्रल और डिफरेंशियल डिफरेंशियल जो इक्वेशन रहते हैं ये सिंपल एलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट होते हैं जो कि एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी एडवांटेज है देन ट्रांसफर फंक्शन में फिर से हम कोई भी इनपुट के लिए हम आउटपुट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं तो आउटपुट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इनपुट देन पोल्स और जीरोज भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं तो ये हो गया एडवांटेजेस अब मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये सिर्फ जो है ट्रांसफ़र फंक्शन ये सिर्फ लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम के लिए ही अप्लीकेबल रहता है अगर टाइम वेरियन सिस्टम है या फिर नॉन लीनियर सिस्टम भी है तो ऐसे सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई नहीं रहता है ये वैलिड ही नहीं रहता है देन इनिशियल कंडीशंस को हम निग्लेक्ट करते थे तो ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इनिशियल कंडीशंस फिर उसका इंपॉर्टेंस लूज़ कर देती है तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर डिसएडवाटेज और लास्ट में जो डिसएडवाटेज है कि इट डज़ नॉट गिव एनी आइडिया हाउ द प्रेजेंट आउटपुट इज प्रोग्रेसिंग तो दोस्तों फिर से एक डिसएडवाटेज है ट्रांसफर फंक्शन का कि हमारा आउटपुट की बिल्कुल प्रेजेंट कंडीशन में वो कैसा वैरी हो रहा है हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगा तो ये हो गए डिसएडवाटेज़ ऑफ ट्रांसफर फंक्शन Thank you. And friends, if you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon for notification. And like, comment, and share. Thank you.